कष्टकारी राहत व बचाव कार्यों के लिए सीएम ने दिए जरूरी दिशा निर्देश। गोला नदी ने दिखाया रौद्र रूप, विशालकाय हाथी फंसा, लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर ली पनाह। बारिश पर आस्था भारी, केदारनाथ में 4000 से अधिक तीर्थयात्री मौजूद, सैकड़ों को दर्शन कर लौटाया गया, स्थिति से निपटने के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। उत्तराखंड में कानूनी दांव पेश में उलझ सकती है 2287 पदों पर शिक्षकों की भर्ती, फंस सकता है बड़ा पेंच। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और हम बात करेंगे पहाड़ों में आफत वाली बारिश। उत्तराखंड में बीते 48 घंटों से हो रही बारिश ने कहर मचा दिया है। नैनीताल का संपर्क जहां देश दुनिया से कट गया है, वहीं भूस्खलन के कारण कई लोगों की मौत हो गई है, कई मकान मलबे की चपेट में आकर जमींदोज हो गए हैं। नैनीताल झील का पानी ओवरफ्लो होकर हल्द्वानी रोड पर बह रहा है, लोग दहशत में घरों में कैद हैं, लोगों की जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है। चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में जो वाहन है वो पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं बारिश की वजह से एक पुल भी टूट गया है। और तीसरी तस्वीर में एक हाथी जो है वो फंसा हुआ है। लाल कुआं के गोला नदी की तस्वीर है जहां पानी के तेज बहाव की वजह से एक हाथी पानी के बीचों बीच फंस गया है और उसके चारों तरफ पानी है, वो कहाँ जाए कहाँ ना जाए ये समझ भी नहीं पा रहा। चौथी तस्वीर, आखिरी तस्वीर एक डैम की है, नानक सागर डैम की तस्वीर है जहाँ से पानी छोड़ा गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से पानी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से नानक सागर डैम से पानी छोड़ा गया है। तो चार तस्वीरें ये बयां करती हैं कि बारिश का कहर किस तरह से पहाड़ पर टूट रहा है। खबर देहरादून से है, सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंचे हैं, सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुकसान की जानकारी ली है सीएम ने। वरिष्ठ अधिकारियों व जिलाधिकारियों से लगातार अपडेट ले रहे हैं सीएम। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंचे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक की है और पल पल की अपडेट ले रहे हैं सीएम धामी। प्रदेश में बारिश से कितना नुकसान पहुंचा है उसकी जानकारी ले रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों और जिलाधिकारियों से संपर्क में हैं सीएम। प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को उन्होंने निर्देशित भी किया है कि अगर कहीं से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है उसके लिए सतर्क रहें। खबर देहरादून से है, आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी रहेगा, अधिकांश स्थानों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में बारिश की संभावना है। तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में बारिश की संभावना है, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होने की भी संभावना बनी हुई है। तो आज भी भारी बारिश का अलर्ट है, पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और आज भी भारी बारिश की आशंका जताई गई है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कों में जल जमा हो गया है, वाहन डूबे हुए नजर आ रहे हैं। खबर लक्सर से है, गंगा का जल स्तर बढ़ने से सड़कों पर पानी भर गया है। लक्सर बालावली स्टेट हाईवे पर मुख्य सड़क पर जल भराव है।
लगातार बारिश के चलते गंगा नदी का जल स्तर बढ़ गया है। 294 मीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। सड़कों पर पानी भर गया है। गंगा का जल स्तर बढ़ने से सड़कों पर भी पानी पहुंच रहा है। किसानों के हजारों बीघा फसलें भी जलमग्न हो गई हैं। पुलिस प्रशासन ने गंगा का जल स्तर बढ़ने की सूचना दी है। इसके अलावा ग्रामीणों को आसपास ना जाने की हिदायत दी है और जो गंगा किनारे क्षेत्र हैं उन इलाकाइयों को भी सचेत रहने को कहा गया है। और खबर देहरादून से आ रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने आह्वान किया है कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया है आपदा प्रभावितों तक मदद पहुंचाने की अपील की गई है। सभी राजनीतिक कार्यक्रमों को स्थगित करके जनसेवा में जुट जाएं। तो जो प्रदेश प्रभारी हैं उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है और जो भी संगठन के पदाधिकारी हैं उनसे आह्वान किया है कि जो आपदा प्रभावित हैं उन लोगों तक मदद पहुंचाई जाए। जो भी राजनीतिक कार्यक्रम है उन्हें स्थगित कर दिया जाए और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जाया जाए और जो इससे प्रभावित हुए हैं उन तक मदद पहुंचाई जाए। तो विपक्षी पार्टी भी मदद को आगे आ रही है इस आपदा की घड़ी में। खबर देहरादून से है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरभाष पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड में अतिवृष्टि से हुए नुकसान और संचालित बचाव व राहत कार्यों के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने प्रदेश को हर आवश्यक सहयोग दिए जाने के प्रति आश्वस्त किया है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी लेते हुए प्रदेश में कुछ स्थानों पर नुकसान हुआ है उसकी जानकारी ली है। शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है ये कहना है मुख्यमंत्री का। नैनीताल में बीते 24 घंटों से हो रही बारिश से जनजीवन जो है पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़कें कई जगह बंद हो गई हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को सूचना दी जा रही कि वे अपने घरों से ना निकलें और कोई भी समस्या आने पर पुलिस को फोन करें। मूसलाधार बारिश से सभी नाले उफान पर हैं जिससे नैनी झील लबालब होने से झील किनारे स्थित नैना देवी मंदिर प्रांगण भी पानी से भर गया है। तो नैनीताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया है और नैना देवी मंदिर प्रांगण में भी पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। खबर खटीमा से है जहां मौसम विभाग के द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान के तहत हाई अलर्ट पर जारी किया गया है। उत्तराखंड राज्य में 18 अक्टूबर में भारी बारिश आकाशीय बिजली गिरने और अन्य संभावनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। वहीं चंपावत जिलाधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि हाई अलर्ट के मद्देनजर 3 दिनों के लिए तत्काल रूप से पूर्णागिरी श्रद्धालुओं को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब किसी भी श्रद्धालु को यात्रा करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। को देखते हुए आज 17 अक्टूबर 18 अक्टूबर 19 अक्टूबर आगामी 3 दिवस के लिए तत्काल रूप से पूर्णागिरी में श्रद्धालुओं को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब किसी भी श्रद्धालु को यात्रा करने के लिए अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। किसी को भी आगे जाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि किसी को भी जानमाल और अनावश्यक रूप से फंसने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी के मद्देनजर जनपद में रीठा साहिब के दर्शनों के लिए भी बाहर से श्रद्धालु आते हैं, उनसे भी अनुरोध है कि जनपद में इस समय ना आए क्योंकि मौसम खराब रहेगा अगले 3 दिवस में और किसी को भी अनावश्यक रूप से किसी ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। खबर उत्तरकाशी से है। गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में 2 दिनों के बाद मौसम खुला है। 2 दिनों से रुकी यात्रा सुचारू हुई है। तो बात कर रहे हैं डीएम ने दोनों धामों के लिए
नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। दो दिनों से रुकी यात्रा सुचारू हुई है। देवभूमि में दोनों धामों में हजारों की संख्या में श्रद्धालु बढ़े हैं। डीएम मयूर दीक्षित दोनों धामों की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीएम ने दोनों धामों के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए हैं। यात्रा से जुड़े विभागों के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। कारोबारियों ने जिला प्रशासन व स्थानीय प्रशासन का आभार जताया है। होटल व्यवसायी व यात्रियों में खुशी की लहर है और प्रशासन का शुक्रिया अदा किया है। तो दो दिनों से रुकी यात्रा सुचारू हुई है। देवभूमि में दोनों धामों में हजारों की संख्या में श्रद्धालु बढ़े हैं। तो बारिश जो है लगातार उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे से जारी है। वहीं दो दिनों से रुकी हुई यात्रा को सुचारू भी किया गया है। देवभूमि में दोनों धामों में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं। तो उत्तराखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई सारे जिलों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार हम इस खबरों पे बने हुए हैं। अलग अलग जिलों में बारिश की वजह से जलभराव देखने को मिल रहा है। कहीं पुल टूट गए हैं, कहीं पर डैम से पानी छोड़ा गया है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। इसी खबर पर बने हुए हमारे साथ कुछ संवाददाता जुड़े हुए हैं अलग अलग जिलों से। अजहर मलिक हैं काशीपुर से, उमेश पंत लालकुआं से बने हुए हैं, अंकित काला देहरादून से हैं और दुष्यंत परिहार हल्द्वानी से हैं। सबसे पहले अंकित आपके पास आएंगे, देहरादून की स्थिति इस वक्त क्या है और कहा जा रहा है अभी बारिश रुकेगी नहीं, बारिश आज भी हो सकती है सारे दिन, तो देहरादून की स्थिति क्या है, चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए शैलेंद्र, अगर हम राजधानी देहरादून की बात करें तो इस वक्त पिछले 48 घंटों से जो लगातार रुक रुक करके राजधानी देहरादून में बारिश हो रही थी उसका सिलसिला फिलहाल आज थमा हुआ है और अच्छी जो धूप है वो सुबह से ही खिली हुई है। तो पिछले जो 48 घंटों से आपस की बारिश हो रही थी उससे आज कहीं ना कहीं दून वासियों को राहत मिली है। इसके साथ ही साथ राज्य सरकार लगातार इस प्रयास कर रही थी, जो भी परिस्थितियां उत्तराखंड राज्य में भारी बरसात की वजह से बनी हुई है तो उससे किस तरीके से राहत बचाव कार्य किया जाए तो इसको लेकर के लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। आज भी उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करी है और दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी आपदाग्रस्त इलाके हैं जहां पर भी नुकसान हुआ है वहां पर उचित जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त किया जा सके। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड की स्थिति के बारे में जानकारी ली है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। तो शैलेंद्र, अगर हम पिछले 48 घंटों की बात करें तो आज फिर भी राजधानी देहरादून बिल्कुल, तो आज कह सकते हैं देहरादून के लिए अच्छी खबर है, मौसम खुला हुआ है और मुख्यमंत्री की अगर बात करें वो लगातार अधिकारियों से संपर्क में है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच उत्तर प्रदेश के लखनऊ ले चलेंगे जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। आपको बता दें इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचे थे और अब मुख्यमंत्री पूर्व विधानसभा जो अध्यक्ष हैं उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जो हैं उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ की तस्वीरें हैं।
तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। और यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। कोरोना के मुश्किल समय में अपनों को खोने का गम क्या होता है, ये इन आंखों से समझा जा सकता है। बच्चों को वहां पे जब फोन आया तो मैं वही बड़े भैया के पास गया। मैंने, भैया ऐसा हो गया? तो भैया भी एकदम से चिल्लाए, क्या हो गया? तो बच्चे वही थे सामने। बिटिया को पता चल गया, बिटिया बहुत रोई है बहुत जोर से कि अब क्या होगा, मेरी मम्मी को ला दो, मेरे पापा को कौन देखेगा। वीडियो कॉल पे बोलते थे कि मैं ठीक हूँ, फिर तो मैं खुद कोरोना पॉजिटिव थी उस टाइम पे, मैं क्वारंटीन हो रखी थी। तो मैं भैया देख के आए और उस समय वो सो रहे थे, थोड़ी देर भी घर पे फोन आ गया कि वो नहीं है। अभी मम्मी को ढूंढती है तो घुमाने ले जाती हो कि दिन रात ऐसी बोलती, मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। सोते समय भी कहती थी कि यहाँ पे मम्मी सोती थी। रास्ते में ले जाता हूँ तो कहते हैं यहाँ पे मम्मी, हर पूरे कॉलोनी के चक्कर कटाती है कि इस रास्ते चलो, इस रास्ते चलो। जो भी आती है वहाँ पे लेडीज उनसे पूछती मम्मी कहाँ है। मैं उनकी माँ की ये इच्छा थी, वो उनका सपना प्लान बहुत थे हमारे दोनों के, घर बनाने का, लड़की की शादी करने का और इसको पढ़ाने का। तो वो तो चली गई, मैं कोशिश करूंगा। कोरोना काल में अपनों को खोने के बाद जब सामने पहाड़ सी जिंदगी जीने की चुनौती थी और साथ कोई नहीं था, उस मुश्किल वक्त में इन सभी का साथ देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने शुरू की वात्सल्य योजना, जिसने आज इन चेहरों में एक आत्मविश्वास जगाया है कि वो अब अकेले नहीं है, उत्तराखंड सरकार का साथ उनके साथ है। तो ये कि वात्सल्य योजना से हमको ये बेनिफिट होगा, बच्चों के डायरेक्ट कोई ट्यूशन फीस नहीं रुक रही है ना, और डायरेक्ट अकाउंट्स में हमें किसी के आगे जाना नहीं पड़ा। आगे जिंदगी में सरकार ने जो मदद की है सब लोगों को, आदमी को सारा मिल जाता है जो बहुत ही लाचार है, घर से हिम्मत आ जाती चलो भाई थोड़ा बहुत आने को सहायता मिल रही है। तो वात्सल्य योजना इन जिंदगियों के लिए सहारा बन रही है और आगे आने वाली मुश्किलों को दूर कर रही है। आज वात्सल्य योजना के सहारे कोरोना काल में अनाथ हुए इन बच्चों के जीने का आधार बन रही है उत्तराखंड सरकार। 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से माता पिता एवं संरक्षक की मौत पर जन्म से 21 साल तक के प्रभावित बच्चों की देखभाल के लिए वात्सल्य योजना को उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू किया गया है, जिसमें इस योजना के माध्यम से बच्चों को 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है। योजना के तहत ऐसे बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने के साथ ही उनकी शिक्षा, पोषण व संरक्षण का भी प्रावधान उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया है। अनाथ बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड सरकार द्वारा 5% के क्षैतिज आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है और ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। सरकार इन बच्चों के कौशल विकास पर भी पूरा ध्यान दे रही है। कोरोना काल में अनाथ हुए इन बच्चों के लिए उत्तराखंड सरकार आज उनके जीने का एक मजबूत आधार बन रही है, ताकि उनकी जिंदगी का हर मकसद पूरा हो सके। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए सहारा बनी उत्तराखंड सरकार। वात्सल्य योजना से देश के उज्जवल भविष्य के सपने को करना है साकार। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पहाड़ों में आफत वाली बारिश। लगातार पिछले कई घंटों से उत्तराखंड में अलग अलग जगह बारिश हो रही, जिसकी वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसी पर हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ अजहर बने हुए हैं काशीपुर से। अजहर, अगर काशीपुर की बात करें, किस तरह की स्थिति है और
मौसम विभाग की तरफ से, क्या अभी भी बारिश वहां जारी है या अभी भी बारिश थमने की संभावना है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से 48 घंटे के बाद लगातार बारिश ने सड़कों को जलमग्न कर दिया, लगातार सड़कों पर पानी देखा जा रहा, तालाबों के रूप में सड़कें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं अभी बारिश ने भी अजमनसर की स्थिति बनाकर रखी है, कभी बारिश हो रही है, कभी रुक रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी है। फिलहाल तेज बारिश अभी वर्तमान में नहीं है, लेकिन स्थिति करी जाए नदियों की तो ढेला नदी की परिस्थितियों की देखते हुए जल स्तर लगातार बढ़ता है। वहीं प्रशासन का कहना है अभी जल स्तर डेंजर जोन पर नहीं है, फिर भी नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया, उनकी रुकने की व्यवस्था कर दी गई है। अगर नदी ढेला नदी का जल स्तर बढ़ता है या फिर पहाड़ी क्षेत्रों से डैम का पानी छोड़ा जाता है तो उनके रुकने की, नदी किनारे रुकने वाले लोगों की व्यवस्था पूरी है। जी अजर, प्रशासन की भूमिका कैसी है? जो लोग नदी किनारे जैसे आप बता रहे रह रहे हैं, क्या उनको दूसरी जगह ले जाया गया है, वो खुद से ही जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं प्रशासन पूर्ण रूप से तैयार है, टीमें गठित कर रखी हैं, प्रशासन द्वारा टीमें गठित हैं, लगातार जो नदी किनारे रहने वाले लोग हैं उनके प्रशासन ने किसी को भी किसी तरीके की कोई समस्या आती है उनके लिए तत्पर हमेशा सदैव हैं, और लगातार अभी तक स्थिति ऐसी नहीं आई कि उन्हें वहां से निकाला जाए। जल स्तर इतना डेंजर जोन में नहीं पहुंचा है ढेला नदी का कि उन्हें किनारे से हटाया जाए। फिलहाल अगर स्थिति ऐसी बनती है तो उनको तत्काल हटाकर उनके रुकने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था पूर्ण रूप से प्रशासन ने कर दी है। तो वहीं बात करी जाए तो बारिश से लगातार दो तीन नुकसान की खबरें हमें देखने को मिली है, कहीं दीवार गिरी है मकानों की, तो कहीं ऐसी जनहानि का अभी तक कोई सूचना नहीं। जी हमारे साथ बसंत भी बने हुए ऋषिकेश से। बसंत, ऋषिकेश की अगर बात करें तो इस वक्त ऋषिकेश के ताजा हालात क्या हैं? इस बारिश से कितना नुकसान पहुंचा है वहां के लोगों को? बिल्कुल, मैं बता दूं इस तरह से दो दिन से लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है, कहा जा सकता है पहाड़ों की बारिश ऋषिकेश में भी तबाही मचा रही है। ऋषिकेश के किले में बात किसम जारी है, चंद्रभागा में। बसंत, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही, हम चाहेंगे आप अपने फोन को एक बार अनम्यूट कर दें। वापस बसंत के पास आएंगे। हमारे साथ दुष्यंत परिहार भी बने हुए हैं हल्द्वानी से। दुष्यंत, अगर हल्द्वानी की बात करें तो वहां इस वक्त ताजा हालात क्या हैं? मैं बताना चाहूंगा कि हल्द्वानी में लगातार दो दिन से हो रही बारिश के कारण जल प्रवाह हो चुका है, जिस कारण यहाँ के यातायात और सारे साधनों पे पानी भरने के भर चुका है। और वह दूसरा और बताने का होगा कि हल्द्वानी से जुड़े हुए गोलापुर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है, और यहाँ के प्रशासन और शासन द्वारा लोगों से अपील की गई है कि भारी बारिश के कारण हो रहे नुकसान को देखते हुए लोगों से अपील की गई है कि अपने अपने घरों पर बने रहें। अभी भी आप देख रहे होंगे हम खुद छाता लेके खड़ा हूँ क्योंकि यहाँ लगातार बारिश, दो दिन से लगातार बारिश चल रही है, और जिस कारण से लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, प्रशासन भी पूरी तरह सक्रिय है और मुस्तैद है ताकि जान माल का जो नुकसान ना हो लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड में जिस तरह से बारिश से हालात बिगड़ गए हैं, आफत वाली बारिश है, और अभी भी आज भी कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई। हालांकि मुख्यमंत्री लगातार सक्रिय हैं और खुद सचिवालय में बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, अधिकारियों के संपर्क में हैं, कोशिश है इससे प्रदेश को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।